दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक शेयर्स के बारे में जिसका नाम है इंफोसिस लिमिटेड। इंफोसिस लिमिटेड की तरफ से जैसे ही कल के दिन आपको बायबैक की न्यूज़ देखने को मिली थी उसके बाद ही मैंने आपको यहां पर अलर्ट कर दिया था कि आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप इंट्राडे सेशन में अगर किसी शेयर्स को ऐड करना चाहते हैं और विद इन अ डे आप कोई अच्छा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इंफोसिस को अपने रडार में रख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल भी बताए थे वो भी काफी ज्यादा आज के दिन हमें हीट होते हुए देखने को मिले हैं। तो इसीलिए मैं आपको हर बार की तरह यही सलाह देता हूं कि वीडियो को पूरा वॉच करें और साथ ही साथ इंफोसिस से रिलेटेड जो भी बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है वो कंटिन्यूसली हमारे चैनल से आपको प्रोवाइड करी जा रही है। साथ ही साथ इंफोसिस की तरफ से दो बुरी खबर यहां पर जो निकल कर आ रही है वो भी इस वीडियो में जानेंगे और इंफोसिस के जो टारगेट हैं वो भी काफी यहां से बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंफोसिस लिमिटेड की। जैसा कि आपको पता है कि बायबैक की न्यूज़ के आते ही आज आपको इंफोसिस के अंदर लगभग 3.5% तक की तेजी देखने को मिल चुकी है। साथ ही साथ शेयर्स ने आज अपने लगभग नए 52 वीक के हाई को भी अचीव कर लिया है। लेकिन अगर आप यहां पर ऑर्डर बुक की तरफ देखेंगे तो यहां पर आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। उसका रीजन भी आपको पता है कि शेयर अभी काफी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है जिसके कारण यहां से अब आपको थोड़े बहुत करेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। इस न्यूज़ को तो मैं ऑलरेडी यहां पर कवर कर चुका हूं कि इंफोसिस यहां पर बायबैक करने जा रही है। यह बायबैक भी कब से स्टार्ट हो रहा है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, यानी कि कल का दिन बहुत ज़्यादा यहां पर इंफोसिस के लिए खास होने वाला है क्योंकि कल ही के दिन से आपको यहां पर बायबैक ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। बायबैक का जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 6 मंथ का रखा गया है और इसकी जो मैक्सिमम शेयर प्राइस रखी गई है वो 1750 रुपीज़ रखी गई है, यानी कि 1750 रुपये इसकी मैक्सिमम प्राइस रखी गई है। साथ ही साथ जानी मानी ब्रोकरेज फर्म शेर खान ने भी इसको इंफोसिस को लेकर यहां पर अपने टारगेट को बहुत ज्यादा यहां पर इंप्रूव कर दिया है, यानी कि देख सकते हैं आप कल ही के दिन यहां पर इन शेर खान की तरफ से इंफोसिस के जो टारगेट है वो 1700 रुपीज़ के दिए गए हैं, यानी कि डेफिनेटली अगर आपने इंफोसिस के अंदर पोजिशंस बना रखी है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहां से निकल कर आ रही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं इंफोसिस और साथ ही साथ TCS के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर मैं कवर करना चाहता हूं। यदि आपने इंफोसिस के अंदर पोजीशंस बना रखी है या फिर आप पोजीशंस बनाने का मन बना रहे हैं साथ ही साथ TCS को भी आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं तो इसके पहले आपको दो रीज़न को यहां पर जान लेना है क्योंकि इंफोसिस और TCS अभी हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। TCS के अंदर भी आपको कंटिन्यूसली काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिल रहा है लेकिन उसी के साथ में यहां पर आपको कुछ बड़े करेक्शंस भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि शेयर्स अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और अगर यहां पर आप इंफोसिस शेयर्स के आज के जो यहां पर रीजन देखेंगे आप शेयर्स के अंदर 3.5% की तेजी का तो डेफिनेटली वो यहां पर बायबैक का रीजन है। लेकिन साथ ही साथ स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफी पॉजिटिव है और वन कैन बाय दिस IT काउंटर्स एंड करंट लेवल्स, यानी कि अगर आप करंट लेवल से इसके अंदर एक फ्रेश पोजिशंस बनाते हैं तो आपको यहां पर लॉन्ग टर्म का व्यू रखना होगा क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको यहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंफोसिस को लेकर यहां पर जो दो बड़ी खबर निकल कर आई है जिसको लेकर यहां पर इंफोसिस के लेकर यहां पर जितने भी शेयर होल्डर्स है वो यहां पर कुछ हद तक पैनिक भी क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि जो यहां पर इतनी बड़ी तेजी के पीछे के जो रीजन रिवील हुए हैं आइए उन्हें भी एक बार जान लेते हैं। तो यहां पर GCL सिक्योरिटीज के जो चेयरमैन हैं रवि सिंगल, उन्होंने यहां पर दो मेन रीजन दिए हैं TCS और इंफोसिस के अंदर जो आपको इतनी बड़ी रैली देखने को मिल रही है उसके पीछे There are two fundamental reasons that is expected to further fuel Infosys share price rally and TCS stock price. Global spending on IT infra post COVID-19 and Indian government supporting BPO industries in India. These two are the fundamental reasons that are the going impact IT companies at largest extent, यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इन IT कंपनियों को पूरा सपोर्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है और COVID-19 का इम्पैक्ट भी IT सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बुलिश रहा है। तो यहाँ पर ये दो बड़े रीज़न हैं जिसके बाद आपको इन दोनों कंपनियों के अंदर इतने बड़े टारगेट देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर सिंगल जी की तरफ से जो यहाँ पर टारगेट निकल कर आए हैं इंफोसिस और TCS के लेकर
पे भी अगर जाने तो अगर यहाँ पर आप अगले 12 से महीने से लेकर 18 महीने तक अगर इसके अंदर अपनी पोजीशंस को बनाकर रखते हैं तो डेफिनेटली आपको इन्फोसिस के अंदर जो पोजिशनल टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो 2100 रुपीस तक के देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम TCS की बात करें तो TCS के जो पोजिशनल टारगेट यहां से निकल कर आ रहे हैं वो 4400 यानी कि 4400 रुपए तक के निकल के आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगर शेयर्स यहां पर यानी कि कंपनी अगर यहां पर बोनस शेयर इशू नहीं करती है तो डेफिनेटली आपको यहां पर 4400 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आज के मार्केट को भी एनालिसिस करें तो आज अगर आईटी सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो आईटी सेक्टर काफ़ी बुलिश आपको देखने को मिल रहा था, यानी कि ओवरऑल अगर हम निफ्टी बैंक को भी देखें तो निफ्टी बैंक भी हमें यहां पर बुलिश था, लेकिन आज सबसे ज़्यादा फोकस निफ्टी आईटी पर बना हुआ था। निफ्टी आईटी ने आज अपने ऑल टाइम हाई 29,098 रुपीस को भी यहां पर अचीव कर लिया है, जिसके बाद से अब आपको यहां पर जो एक बुरी खबर हम यहां पर आपको बता रहे हैं वो है करेक्शंस। जी हां दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शेयर्स हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, जिसके कारण इसका जो RSI लेवल है वो भी हमें ओवरबोट जोन में देखने को मिल रहा है और मनी फ्लो इंडेक्स यानी कि MFI लेवल भी हमें ओवरबोट जोन में देखने को मिल रहा है। तो यहां पर जो शेयर होल्डर्स के लिए एक कह सकते हैं कि बुरी खबर, एक डरावनी खबर जो है वो यही है कि यहां पर अब आपको आने वाले कुछ सेशंस में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है और इस प्रॉफिट बुकिंग से आपको पैनिक नहीं होना है अगर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है। तो साथ ही साथ जो सेकंड नेगेटिव न्यूज है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। जैसा कि आपको बताया कि इन्फोसिस की तरफ से जो बायबैक के यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें उसकी जो मैक्सिमम प्राइस बैंड रखी गई है वो 1750 रुपीज़ रखी गई है, यानी कि विद इन अ 6 मंथ यहाँ पर आपको 1750 रुपीज़ से अबव शेयर प्राइस तो यहाँ पर शायद ही देखने को मिलने वाली है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो 1750 रुपीज़ का जो यहाँ पर टैग रखा गया है वो यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर शेयर होल्डर्स के लिए हो सकता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जो कि यहाँ पर होना भी चाहिए तब आपको यहां पर किसी प्रकार का पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इन्फोसिस के अगर ऑल टाइम हाई की भी अगर बात करें तो इन्फोसिस जब से यहां पर NSE और BSE के अंदर लिस्टेड हुए तब से यहां पर लगभग 13,326% तक के रिटर्न्स ये शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुका है। और इसी बीच में अब तो आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, यानी कि एक बड़ी रैली भी हमें इन्फोसिस के अंदर आते हुए देखने को मिल सकती है। इन्फोसिस के अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 6,64,417 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, यानी कि ये एक लार्ज कैप कंपनी जिसने रिसेंटली यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को 15 रुपीज़ पर शेयर का बोनस भी यहां पर अनाउंस किया था। और डेफिनेटली अगर आपने इन्फोसिस के अंदर काफ़ी टाइम से अपनी पोजिशंस को हेल्ड कर रखा है तो डेफिनेटली आपके यहां पर बैंक अकाउंट में इन्फोसिस का डिविडेंड भी यहां पर क्रेडिट कर दिया गया होगा। साथ ही साथ 14 जुलाई 2021 बहुत ज़्यादा स्पेशल डेट होने वाली है इन्फोसिस के शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि इन्फोसिस को लेकर यहां पर Q1 के नंबर्स यहां पर कंपनी 14 जुलाई 2021 को अनाउंस करने वाली है, जिसमें आपको इन्फोसिस की तरफ से कोई बड़ी अपडेट्स भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ कंपनी की जो यहां पर रिसेंटली एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड हुई थी उसमें भी यहां पर कंपनी काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रही है और इनके जो फ्यूचर गोल्स है, जो फ्यूचर विजन से वो भी यहां से बहुत क्लियर हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसके बाद इसके जो टारगेट हैं वो 3,000 रुपीज तक भी हमें बहुत जल्दी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इन्फोसिस को लेकर जो 2 रेजिस्टेंस आपको साथ शेयर किए गए थे कल के सेशन में वो पूरी तरीके से आज के दिन ही हमें अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। कल का जो 3rd रेजिस्टेंस है 1590 रुपये का वो आपको यहाँ पर लेकर चलना है। साथ ही साथ सपोर्ट लेवल भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला सपोर्ट आपको 1465 रुपये का, दूसरा सपोर्ट 1428 रुपये का और तीसरा सपोर्ट 1403 रुपये का आपको लेकर चलना है। अगर आपने इसे शॉर्ट टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रखा है तो इन सपोर्ट लेवल का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। साथ ही साथ इंट्राडे सेशन के अंदर आप यहां पर इन्फोसिस के अंदर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल का ध्यान में रखते हुए आप इसके अंदर इंट्राडे सेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि शेयर अभी अपने MOS से काफी अबव यहां पर ट्रेड कर रहा है तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। और जैसा कि आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करी थी मैंने अभी रिसेंटली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इन्फोसिस और TCS को गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहां पर हमारा जो IT सेक्टर का जो प्लेटफॉर्म है यानी कि इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पर इन्फोसिस ही मैनेज करता है, जिसको देखते हुए यहाँ पर अभी आपको थोड़े से ग्लीचेस भी देखने को मिले थे, लेकिन इन्फोसिस के चेयरमैन की तरफ से यहाँ पर
एक स्टेटमेंट भी आ गया था कि ये ग्लीचेस आपको बहुत जल्दी रिजॉल्व होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के सपोर्ट को देखते हुए और साथ ही साथ COVID-19 के पेंडेमिक को देखते हुए आईटी सेक्टर हमें काफ़ी ज़्यादा बुलिश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इन्फोसिस के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो अपनी पोजिशंस को यहाँ पर कंटिन्यू करिए, आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न यहाँ पर लॉन्ग टर्म में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपोर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।